हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चारों बहनों को बधाई के अंदर क्या मिला है। तीन तो हम बहनें और एक काकोसा की लड़की है, और हम चारों बहनों को बधाई के अंदर दी है पायल। दो जोड़ी तो सेम है, दो दो जोड़ी, दोनों दो दो सेम ही है। दो तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये साफ वीडियो बना ही नहीं था क्योंकि कृष्णा ने बनाया था बच्चों ने, इसलिए फटाफट में ऐसा ही बना था वीडियो और साफ बन ही नहीं पाया था। वो दो जोड़ी तो नगीनों वाली है और दो जोड़ी वो उसके अंदर नग नहीं है, नॉर्मल ही है, सिंपल ही है। और अब शाम का टाइम हो गया, बज गए शाम के 5 और सब आस पड़ोस की आंटी जी वगैरह आ गए हैं जलवा की पूजा के लिए। और ये तैयारी वगैरह भी कर लिया है, कलशा वगैरह सब नहीं तैयारी वगैरह थाली वगैरह तैयार कर लिए। और ये गौरव इधर मेरी गोदी में खेल रहा है, चुपचाप देख रहा है सबको। और थोड़ी देर के बाद में भाभी सा आ जाएंगे पूजा करने। भाभी सा को सरोजी जी लेकर आ गई है, पूजा करेंगे। और इस टाइम बाबू को लेकर नहीं आते, बाबू अंदर ही रहता है सोया हुआ, अंदर ही रखता है। इस टाइम सिर्फ भाभी सा भाभी सा आते हैं पूजा करने के लिए। अब भाभी सा ने तो पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद में फिर बाबू को झूला खिलाया जाता है पीले के ओढ़ने के अंदर। जो पीले का ओढ़ना लेता है उसके अंदर सब बाबू को पीले के ओढ़ने के अंदर सुलाते हैं, फिर उसको झूले खिलाए जाते हैं। ये क्यों करते हैं उसका रीजन तो मुझे पता नहीं है। आज मौसम औरत का है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बारिश, चारों मेर बारिश है चारों तरफ। पर हमारे पास में रेलवे स्टेशन है, घर के पास में ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ट्रेनें आती जाती रहती हैं। सांस चढ़ गया, ऊपर आई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ये प्रज्ञान खेल रहा है, ये सुनता जी लगी हुई है तिरपाल देने में। खुशू क्या कर रहा है बेटा? ये कृष्णा आ गई है, अरे इसको खेलने दे बेटा, ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इसको खेलने दे। प्रज्ञान क्या कर रही हो? और अब दोनों मेरे भांजे खुशवंत और रघुवीर दोनों कर रहे हैं, ट्रैक्टर की रेस लगा रहे हैं दोनों भाई भाई। और ये वीडियो गोविंद बना रहा था, सब मस्ती कर रहे थे, और हम सब भाई हम तीनों बहनें और पापा सब बैठे थे, और अंधेरा भी हो गया था बातें करते करते सबके साथ में। और हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई थी, और जीजो सार वगैरह सब गए हुए थे भैया के साथ में बाहर घूमने के लिए, वो भी आ गए थे, इसलिए पापा ने बोला चलो नीचे चलते हैं, अब सब खाना वगैरह खाएंगे। फिर थोड़ी देर के खाना वगैरह खाने के बाद में 11:30 की सरोजी जी की भैया की सबकी ट्रेन है, फिर सब रवाना होंगे। अब सारे बैग वगैरह नीचे लेकर आ गए हैं, और अब थोड़ी देर के बाद में रवाना होंगे। सबने खाना वगैरह तो खा लिया है,
और ये रघुवीर बेग के पास में खड़ा है, सामान वगैरह चेक कर रहा है, पूछ रहा था मासी ट्रैक्टर डाल दिया था क्या इसका, ऐसे पूछ रहा था ये है बार बार। और ये दरा भी पास में ही बैठी थी और सब बच्चों को हम बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे कृष्णा रघुवीर कल्पना के साथ में। और सरोजी जी की भी बहुत ज़्यादा याद आएगी क्योंकि अब की बार तो हम बहनें बहुत ही ज़्यादा साथ में रही थी। और इसके बाद में अब करेंगे हमारे यहाँ पर थाली की पूजा की जाती है, जीजी जीजोसा दोनों साथ में बैठकर ये रसोई की किचन की जो थाली होते हैं उस पर यहाँ पर पूजा करते हैं, साखियाँ मानते हैं, पूजा वगैरह की जाती है। और फिर उस पे पूजा करने के बाद में फिर रवाना हुए क्योंकि गाड़ी गली के बाहर खड़ी थी क्योंकि अभी सड़क का काम चल रहा है रास्ते में, इसलिए बड़ी वाली गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह और आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।